What's up guys, welcome back to my channel and welcome back to a very special vlog, a very special Q&A vlog. अब वक्त आ चुका है आप लोगों के सवाल मेरा जवाब. रेडी हो? चलिए शुरू करते हैं. Live your life within the moment, moment. And don't go wait until the morning, morning. You never know when it is over, over. All that I know is we'll get older, older. So let us dance this night away. So without any delay, शुरू करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन में, वो है ये रहा. जिन जिन लोगों को पता है और जिन जिन लोगों को नहीं पता है, मैं बता दूं कि मैं कुछ दिन पहले दुबई गया था और उसके बाद चारू एंड जियाना ज्वाइन मी एंड माय फैमिली इन दुबई. एंड देन वी गॉट बैक, देन वी टुक द सेम फ्लाइट बैक फ्रॉम दुबई टू मुंबई. मैंने ये चीज़ अपने पहले व्लॉग्स में भी बोला था दैट मैंने अपने टिकट्स पहले ही कर लिए थे, बिकॉज दैट टाइम व्हेन आई वाज लीविंग ऑन द 21st of June, चारू वाज नॉट श्योर वेदर शी वुड कम टू दुबई और नॉट एट दैट गिवन टाइम. पर जब उनका कंफर्मेशन आया कि हाँ वो आ रही हैं जियाना के साथ, तो फिर उनका एक फ्रेश टिकट हुआ जहाँ पे उनकी फ्रेश बुकिंग हुई. बुकिंग करने के बाद देन दे केम टूगेदर टू दुबई. ऑफकोर्स जब हम वापस आ रहे थे दुबई से मुंबई, हम लोग एक ही फ्लाइट में आए सो दैट वी कुड ट्रैवल टुगेदर. मैं चाहता तो मैं ये क्लैरिफाई नहीं करता बिकॉज इट डजेंट मैटर टू मी व्हाट योर ओपिनियन इज, स्पेशली द हेटर्स. जो मेरे वेलविशर्स हैं दे ऑल लव मी एंड दैट्स व्हाट मैटर्स इन द एंड. बट मेरे को लगा कि यार मैं ये क्लैरिफाई करता हूँ इस क्यू एन ए में, जब इतना मुझे सो टू स्पीक ट्रोलिंग हुआ था मेरा कि क्यों राजीव फर्स्ट क्लास में और चारू एंड जियाना बिजनेस क्लास में. तो भाई डिफरेंट बुकिंग्स थे. यस, अगर बिजनेस क्लास में सीट अवेलेबल होता तो मैं अपना फर्स्ट क्लास कैंसिल करके बिजनेस क्लास में जाता. अगर मुझे सीट्स अवेलेबिलिटी मिलती तो मैं जरूर करता. अगर फर्स्ट क्लास में भी सीट्स अवेलेबल होते तो मैं उन दोनों को फर्स्ट क्लास में रखता. मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं फर्स्ट क्लास में जाऊं, बिजनेस क्लास में जाऊं, इकोनॉमी में जाऊं. मेरी मर्जी कि मुझे क्या चाहिए. एंड मेरा इनिशियली प्लान यही था कि मैं चारू और जियाना तीनों साथ में जाएंगे एंड देन वी कम बैक इन द सेम फ्लाइट. फॉर मी इट इज नॉट अ बिग डील एट ऑल कि हम लोग साथ में फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करें, साथ में बिजनेस क्लास में ट्रैवल करें. इट इज नो प्रॉब्लम फॉर मी. बट द ओनली प्रॉब्लम वॉज कि हाँ देयर वर टू डिफरेंट टिकट्स एंड सीट्स अवेलेबिलिटी नहीं मिलती है यार, स्पेशली इन बिजनेस इन फर्स्ट इट्स नेवर ईजी. थैंक यू क्लासी होम शेफ कि आपने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा और मेरे को लगा कि यार सिंस आई एम डूइंग अ क्यू एंड ए आई मस्ट आंसर. मेरे को लगा लेट मी आंसर दिस बिकॉज लेट माय हेटर्स नो एंड लेट जो छोटे लोग हैं उनकी जो छोटी सोच है उनको थोड़ा क्लियर किया जाए. एंड लिटरली यू नो आई फील सो बैड फॉर सच पीपल बिकॉज दे सीरियसली दे कांट अफोर्ड अ टिकट फॉर देमसेल्व्स एंड यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और वो ये रहा आपके स्क्रीन में. आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड चारू टू बी ऑलवेज बी देयर फॉर ईच अदर व्हेन इट कम्स टू आवर डॉटर जियाना. आई थिंक जियाना डिजर्व्स द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स. मम्मी का भी प्यार मिले, पापा का भी प्यार मिले, पर उसके लिए बहुत जरूरी है कि चारू और मैं एक हेल्दी टर्म्स में रहे, एक हेल्दी फ्रेंडशिप में रहे, एक हेल्दी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहे जहाँ पे वी बोथ म्यूचुअली रिस्पेक्ट ईच अदर्स लाइफ स्टाइल और द वे वी वॉन्ट ईच अदर टू बी. आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट हियर इज द एक्सेप्टेंस ऑफ हु वी रियली आर एज यू नो इंडिविजुअल्स बिकॉज यू नो दे आर नॉट टू पीपल अलाइक. यू नो इट कैन नेवर बी द बेस्ट ऑफ रिलेशनशिप्स, दे नीड टू वर्क ऑन इट. वेन मी एंड चारू आर हैप्पी एंड वेन वी आर इन कॉर्डियल टर्म्स इट विल इनडायरेक्टली बी अ पॉजिटिव इफेक्ट. Charu and I have understood this, that what is the bigger picture here. Zianna definitely has a very important role to play when it comes to bringing me and Charu more closer. I know a lot of my well-wishers, a lot of her well-wishers want us to be back again as a couple. Kya shaadi karo, shaadi karo. Dekho,
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेरी हैप्पी विथ ईच अदर्स कंपनी, वो बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर हम दोनों खुश हो जाएंगे, अगर हम दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया, एंड देर इज लव, देर इज कंपैशन, देर इज रिस्पेक्ट, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट मी एंड चारू वी शुड गो विद द फ्लो, कीपिंग इन माइंड दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट प्रायोरिटाइज डियानाज लाइफ एंड टू ब्रिंग हर अप नाइसली एंड टू रेज हर इन द बेस्टेस्ट वे पॉसिबल. वेल मनीषा, आई होप आई हैव आंसर्ड टू योर क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ. I think everything starts with state of mind. You know, whether you're a doctor, whether you're an engineer, actor, scientist, whatever that you may be. But I think what defines you as an individual is your state of mind. Jaise ki bolte na yaar, you know, happiness is just a state of mind. I like to always stay positive because I feel that brings out the best in me. It helps me to fight tough situations during testing times. Which I would recommend to all of you out there as well. If you've got the patience, excellent. The fact that they react very fast because they don't have the patience to accept it. Anything to everything can be achieved if you've got a cool mind. More importantly, agar aap embrace karte ho good times and bad times in the same wavelength, I think that really makes a lot of difference in life. And also for me, since I'm into fitness, gym is a beautiful place to really go out and let loose. ये मैंने हमेशा बोला है दैट यू नो गुड डेज हिट द जिम बैड डेज हिट द जिम यू नो इट डजंट मैटर बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपको कोई चीज टेस्ट कर रहा है एंड समथिंग इज प्लेइंग इन योर माइंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक इट आउट और जस्ट बाय कीपिंग योरसेल्फ बिजी एंड आई पर्सनली फील मेडिटेशन ऑल्सो हेल्प्स दो आई डोंट मेडिटेट दैट मच एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड दैट गॉड हैज गिवन मी दैट स्ट्रेंथ टू लव माई सेल्फ in many ways where I would not harm myself, you know. So I feel happiness, positiveness, calmness starts within you first, especially when days are testing you, when you've got tough days, whether you've got exams, whether you're in a bad relationship, whether your marriage is testing you, whatever it may be. It's important how you deal in those given days with a cool mind. I think if your mind is cool, you will be that much more in control of your thoughts, of your actions, and of the way you speak. In the end, you will know that the more calmer you are, the more you are in control of yourself and control of life. Jasleen Mann, that was a lovely question though. Thank you so much. Next question is on your screen right now. Ziana was more mesmerized with the play areas than actually watching those beautiful sharks and those beautiful huge aquariums that Dubai has to offer. Ziana ka ek hi weakness hai, she wants to go to the play area where there are a lot of play activities for kids and she loves that. Abhi filhal Mumbai mein us scale mein nahi hai. I think that was a very special moment for me being with her at the same time because main us waqt main khud bachcha ban gaya tha. And believe it or not, I was enjoying it equally, if not more than Ziana, in that play area. It was so much fun, you know, by doing the car racing and doing different rides, playing games. So yeah, it was a good experience. It was a lot of fun. So yeah, I would say that was a very special moment between me and Ziana. So innocent girl, I hope I've answered well to your question. And the last question is on your screen right now. Okay, so there are basically two questions, and मैंने यार मैंने सोचा दोनों ही बड़े अच्छे हैं तो मैंने कहा दोनों को ले लेते हैं. Let's start with Priyanka. She has asked me why you never open Rene Jewelers in India. जिन लोगों को नहीं पता, Rene Jewelers is my jewelry company, which we opened way back in 1999 in Dubai at Wafi Mall. तब बहुत छोटा था. From there, of course, with the grace of God, we have you know, had more retail stores in the Middle East. We got one in Kuwait. We are in fact opening one more in Kuwait. So there'll be two in Kuwait. We already have two stores in Dubai, one in Wafi Mall, one in Dubai Mall. And one we recently opened in Doha, Qatar. Coming to your question, we were very much there in India. We had Rene Jewelers opened at Silk City Walk Mall in Delhi.
जो मैं हैंडल कर रहा था फॉर अबाउट ऑलमोस्ट 9 years दैट वी वर देयर. वी शट ऑपरेशंस देयर बिकॉज वी वांटेड आवर एंटायर फोकस टू बी इन द मिडल ईस्ट एंड दैट्स व्हाट वी डिड. अपार्ट फ्रॉम रिटेल वी आर ऑल्सो डूइंग अ लॉट ऑफ ज्वेलरी एग्जीबिशंस इन द मिडल ईस्ट एंड फार ईस्ट. सो या कभी भी अगर आप लोग दुबई आते हो तो यहाँ जरूर जाना रेने ज्वेलर्स एट वाफी मॉल दुबई मॉल. कुवैत में सालमिया में है एंड ऑफकोर्स यू रिसेंटली ओपन वन इन दोहा. So I hope I have answered to your question. And last but not the least is from tarot expert Shivita. How does your home cooked meal look like? Because it's tough to maintain and stay fit without correct food. जैसे कि मैंने बताया that food is my biggest weakness, Shivita. तो मैं I try and avoid having junk food, but aisa nahi that I don't eat butter chicken and paratha sometimes. Jab bhi mera man karta main kha leta hu, but the good thing about me is that if I've indulged in something which is very heavy, which is very buttery or which is a bit more oily or whatever, it could be junk food, pizza, I tend to burn it out the next day in the gym. So that way it is balanced well. But generally speaking, I try and avoid having street food at all times, especially in Mumbai. Pani puri and dahi vada and all those things I kind of enjoy, so I eat that once a week, once in 15 days. But apart from that, I basically eat everything. Yeah, if you ask me, I'm 6'6", to mujhe yaar jo pasand aata hai wo main kha leta hu. Non-veg ka mujhe thoda zyada shauk hai to main non-veg thoda zyada khata hu, veg thoda kam khata hu. But having said that, I do eat a lot of salads, a lot of nice organic salads, and yeah, that is somewhere that I don't compromise with money at all when it comes to good quality food, good organic food. Jahan pe I think mere 2 paise zyada bhi jaate hain, no problem, because that in turn will really benefit me in terms of my health and my gut. I think the gut is the most important thing when it comes to your health, and so just make sure that whatever you do, you don't overdo it. But yes, generally speaking, I am very smart with my food. I just make sure that I am eating well. I'm getting the right amount of protein in my body because I'm very tall. I'm very physically very active. So I need that kind of proteins coming into my body every day. So I just keep a check on that. And rest is all good, all yummy. That concludes Q&A with you guys. I hope aap logo bahut pasand aaya hai. Agar pasand aaya hai, to give it a big thumbs up. लीव अ कमेंट डाउन बिलो कि यार आपका फेवरेट क्वेश्चन क्या था, फेवरेट आंसर क्या था. आई वुड लव टू नो. Q&As आई डोंट डू वेरी ऑफ्टन, आई डू इट प्रॉब्ली वंस अ ईयर. लास्टली बिफोर आई गो, वी ऑल नो व्हाट हैपेंड विद मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप. दिस इज समथिंग दैट आई फील लाइक टॉकिंग, बट मैं इतना जरूर बोलना चाहूंगा यार, जो भी वहां हुआ, आई थिंक इट्स अ ह्यूज ह्यूज सिक्योरिटी लैप्स. यू कैन नॉट, the Secret Service cannot have even this much of an error. He's a former US president, and to know that the bullet actually hit his ears and it was just a matter of just zigzag and it could have gone into his head. And if I was Donald Trump, literally I would change my entire security system straight away. You cannot afford to play with your life, especially when there are elections coming into the US, where I personally feel Donald has a very good chance of becoming US president again. Just a 20-year-old going up and you know aiming in that close range itself says and speaks volume that there's a huge security lapse. And a lot can be said, could be an insider's job, we don't know, but this happening in America, a first world country. So I personally feel he should completely change his Secret Service team. Now, whether they are guilty, whether they are not, whether they are good, whether they are bad, does not matter. What happened that day shouldn't happen. Quite shocking, quite bizarre. And I believe in the news, I saw that some of the people did see him. They in fact told the security that, look, somebody's there with a rifle. Nothing happened till the time the shots were fired. So, pretty bizarre. As much as I know this much, that if he becomes the US president again, of course, what security he has now, none of them will be there in the White House. There's a complete change of security which happens to every former president
or anybody who is fighting for elections. So much already has happened in the past. Imagine if this happens in India, where you can just go to any shop and buy any guns and just give your license or ID and choose the gun that you like. Look what will happen here. I'm very happy that India has strict laws when it comes to licensing a gun here. And I think the same should implement anywhere in the world. Thank you so much guys for watching this vlog. Bahut jaldi milte hain ek naye vlog ke saath. Tab tak apna dhyan rakhiyega. Signing off from Delhi.